हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू सिक्किम इज हिंदी ब्लॉग्स। और आज मैं नेपाल का दोलखा जा रहा हूँ काठमांडू से। अभी दोलखा और काठमांडू के बीच रास्ते में है, यहाँ पे खाना खाने के लिए रुका है हम लोग। और सिक्किम से नेपाल आते हुए हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारा मोबाइल थोड़ा ख़राब हो गया था, बताना क्या हो गया, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा था। मैं एक्चुअली ब्लॉग्स ये मेरा मोबाइल से ही बनाता हूँ, तो अभी मोबाइल सही हो गया है। तो मैं आज काठमांडू से दोलखा जा रहा हूँ, तो उसी बीच ब्लॉग्स एक बनाने जा रहा हूँ। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग्स में। अभी तो निकल चुका है हम लोग खाना वाना खा के। तो गाइज अभी दोलखा का ये एक ये देवडुंगे करके है, यहाँ पे आया है मैं। बहुत ही ठंड है यहाँ पे और 2600 मीटर एलिवेशन है यहाँ का। और अभी क्रॉप का हार्वेस्टिंग वगैरह चल रहा है। और ये पीछे छोटा सा बहुत ही सुंदर तालाब है, बहुत ही रिफ्रेश फील हो रहा है बहुत दिन के बाद ऐसी जगह पे आके। ये पीछे यहाँ पे है छोटा मोटा घर वगैरह है। फील्ड में जा रहा है यार जंगल के रास्ते, थोड़ा कच्चा रोड है ये, बहुत ही ठंड है। अभी जा रहा है मशीन देखने के लिए फील्ड में, पैदल चल रहे हैं लगभग 10 मिनट से ज़्यादा हो गया रोड छोड़ के ना। हमको चल के ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ पहुँचना पड़ेगा लगभग, अभी भी है 1 किलोमीटर से ऊपर। ये हमारा ऑपरेटर है जो हमारे साथ चलता है, युवराज जी, जो नेपाल SBTL का रिप्रेजेंटेटिव है अभी का। ये साथ में रहेगा हमारा जंगल में भी फील्ड में। अभी वापस जा रहे हैं, आज के लिए इतना ही। 3 यूनिट विजिट हो गया, काफ़ी हो।